बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक। दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस लेक्चर के बारे में स्टूडेंट्स, मैं आपको ये ताकीद करूँगा कि इस लेक्चर का जो बोरिंग पार्ट है उसको अगर आप बहुत तहम्मुल से सुन लेंगे तो ये ऐसी चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि आप फिज़िक्स की डीप रूट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जस्ट बाय कंसिडरिंग, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट, जो भी लर्नर इस लेक्चर को सुने, आई विल एडवाइस कि इसमें से एक भी सेकेंड जो है वो मिस नहीं करना, क्योंकि मैं इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 12 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ऑनवर्ड फिर अल्टरनेटिंग करंट तक एक एक चीज़ को ऐसे कनेक्ट करके दूंगा दैट यू विल रीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो आपका जो एफएससी फिजिक्स का चैप्टर 12 से चैप्टर 16 तक जितनी थ्योरी है वो समझ लें कि इस एक लेक्चर में आके ये सब के सब जो चैप्टर्स हैं ये कंबाइन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट कि आप सब ने नेचर में रेनबो तो देखी हुई है, रोशनी के सात रंग। ये जो सात रंग हैं ये अब तो हम बहुत बखूबी जानते हैं कि ये सात रंग जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ये लाइट है, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जब रोशनी के बारे में ये कन्फर्मेशन नहीं थी कि ये कौन सी वेव है, तो तब लाइट को कुछ और, लाइट को मैकेनिकल भी माना जाता था कि लाइट कुड हैव बीन अ मैकेनिकल वेव। बट वक्त की और तहकीक के जो अमल ने आहिस्ता आहिस्ता ये हमें शो किया कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत ह्यूज स्पैन है जो रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक फैला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स किस तरह जनरेट होते हैं, किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहला सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, हमने जो चीज़ें चैप्टर 12 से कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर रेस्ट पर है, यानी द चार्ज एट रेस्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करेंगे। इसी तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज है और रेस्ट पर है, तो वो भी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ऑलराइट, तो अब इस इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से आपने याद रखना है कि चार्जेस अगर रेस्ट पर हों तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर इसी चैप्टर में एक गॉज़ेज़ लॉ था कि अगर आप एक चार्ज से टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट इनक्लोज द चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। अब जो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, इट विल बी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और जो नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो होगा माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इन शॉर्ट फ्लक्स की एक इक्वेशन ई डॉट ए बी थी। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि जो गॉज़ेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है वो है ई डॉट डेल ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसको कहते हैं गॉज़ेज़ लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या गॉज़ेज़ लॉ मैग्नेटिज्म के लिए हो सकता है? तो देखें, जैसे चार्जेस की लाइंस हैं आउटवर्ड और इनवर्ड, सेम इसी तरह एक मैग्नेट की भी तो लाइंस होती हैं। अ मैग्नेट कंपोज्ड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ से लाइंस बाहर एमिट होती हैं, साउथ में इनवर्ड होती हैं। अब अगर हम इस पूरे मैग्नेट को एक क्लोज बाउंड्री में बंद कर दें, तो एक देखें कि नॉर्थ की वजह से जो फ्लक्स है इट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव, और साउथ की वजह से जो फ्लक्स है इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव। सो द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ मैग्नेट इनसाइड अ क्लोज स्फीयर वुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी
dot del A, the magnetic flux for a magnet enclosing inside a closed sphere would be equal to zero. तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास गॉज़ेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो चैप्टर 12 से एक सिंगल लाइन की कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना है कि अगर चार्जेस रेस्ट पर हों तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस की वजह से फ्लक्स की इक्वेशंस बन रही हैं, बट मैग्नेटिज्म की वजह से जो फ्लक्स है, एक मैग्नेट की वजह से जो पूरा क्लोज स्फीयर का फ्लक्स है, इट वुड बी जीरो। तो इट इज़ गॉज़ेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ गॉज़ेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। सो स्टूडेंट्स, पिछले जो स्लाइड थी उससे हमने एक कॉन्सेप्ट लिया कि इफ़ द चार्ज इज़ एट रेस्ट देन इट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। चैप्टर नंबर 14 ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है और वो कैरी करता है करंट आई, तो उसके गिर्द प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी द इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ कंडीशनल है कि वायर में से जो स्पीड ऑफ चार्जेस है, इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट स्पीड और अ ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर किसी वायर से यूनिफॉर्म स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करेंगे तो दे विल क्रिएट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। सो दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने अब पिक करना है कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो मूविंग ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। दिस करंट कॉजेज अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर। एक और चीज़ भी देखें कि चार्ज के मोशन और फील्ड की जो क्रिएशन है, ये दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर है, एक कॉन्सेप्ट। सो दो चीज़ें अब जोड़नी है कि अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो ई प्रोड्यूस करता है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो बी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इस फील्ड को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ की इक्वेशन है बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज़ द करंट कैरिड बाय द कंडक्टर। ये जो आई सी है, अभी थोड़ी देर बाद आके आपको एक नया ऐसा आइडिया मिलेगा कि आपको इस आई सी की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट प्रोड्यूस कर रहा है क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, करंट इज़ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म। अगली स्लाइड में आप क्या समझेंगे, जब हम चैप्टर 15 पर जाएंगे तो उसमें आप इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ तक दो बातें आगे पिक करके चलनी है कि स्टूडेंट्स, अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इस फील्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला है एम्पेयर्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, पिछले स्लाइड से हमने जो चीज़ें पिक की, चीज़ों को जोड़ते जाना साथ साथ कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, चैप्टर नंबर 12 का कॉन्सेप्ट है, गॉज़ेस लॉ इस पे इंप्लीमेंट होता है, तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, चैप्टर नंबर 14 का कॉन्सेप्ट है, तो इट ओनली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ फाइंड बाय एम्पेयर्स लॉ। तो ई फाइंड करना हो तो गॉज़ेस लॉ, बी फाइंड करना हो तो एम्पेयर्स लॉ। आई एम होपफुल कि यहाँ तक तो चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं। अब आती है थर्ड सिचुएशन कि चार्ज जब रेस्ट पर था तो हमने ई ऑब्जर्व किया, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो हम बी ऑब्जर्व करेंगे। नाउ अ बिग क्वेश्चन इज कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करे या चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे या चार्ज की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो, किसी भी मीनिंग्स में आप इसको पढ़ें, तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या ई प्रोड्यूस होगा, क्या सिर्फ बी प्रोड्यूस होगा, या कोई चांस है कि ई और बी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए मज़ीद तवज्जो के साथ आपने लेक्चर के साथ जुड़ जाना है। एक फॉर्मूला रिकॉल कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
E.DR. नेगेटिव को चले इग्नोर कर दें, डायरेक्शनल फैक्टर है, तो V जो है वो E.D डेल R के इक्वल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन जेहन में रखनी है। अब आ जाएं ज़रा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्या था चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट, कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जनरेट होगा EMF, EMF जनरेट हो तो जनरेट हो सकता है करंट। करंट तब फ्लो करता है जब प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़रा चीज़ों को तसलसल में समझना है कि वेरी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉजिंग अ करंट, एंड करंट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं कि आप एक कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। नाउ we are going to summarize this statement that changing magnetic flux produce electric field. यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। सवाल एक और माइंड में रखें, क्या नेचर में इसका ऑपोजिट भी हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे? क्योंकि फी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ई प्रोड्यूस कर रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी प्रोड्यूस कर सकता है? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछने जा रहा हूँ, देखिए चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो चार्ज की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह ही से तो चार्ज ने मूव करना। तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन रेज करना ज़रूरी है कि कुड द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ये जवाब जानने में कामयाब हो जाऊं तो शायद मेरे लिए ये बताना आसान हो जाए कि जब एक चार्ज एक्सेलरेट करता है तो ई बी या फिर ई और बी दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो इस आंसर से ऑनवर्ड ये स्टेटमेंट जहन में रखनी है कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने कन्वर्स ढूंढना है कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैंने आपको रिकॉल करवाया गॉज़ेज़ लॉ, दो गॉज़ेज़ लॉ बताए, गॉज़ेज़ लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉज़ेज़ लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब ये चीज़ फैराडेज़ लॉ के तौर पर याद रखनी कि EMF इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। हम EMF को लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो E डॉट डेल L इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल T। ये हो गया फैराडेज लॉ। अब जरा इस आंसर की तरफ चलते हैं कि क्या अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कैन देयर बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में फिर उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हुए कि चार्ज एट रेस्ट विल प्रोड्यूस ई, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन विल प्रोड्यूस बी, एंड व्हाट एन एक्सेलरेटिंग चार्ज विल प्रोड्यूस। पिछली स्लाइड में हमने फैराडेज लॉ देखा, अब हम अगली चीज़ जिसका जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उससे पहले एक बात जहन में रखते हुए कि अगर कहीं पर करंट फ्लो करेगा तो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मोटिवेशनल स्टोरी शुरू होती है स्टूडेंट्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की, कि जिसकी दी हुई चार सिमेट्रिकल इक्वेशंस ने इस दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि फ़र्ज करें ये एक वायर है, जो वायर एक कंडक्टर का काम कर रही है और आगे ये कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। अब वायर में से करंट पास कर रहा है
अच्छा, जहाँ वायर में से करंट पास कर रहा है वो हम नाम दे देते हैं करंट ड्यू इनसाइड अ कंडक्टर। इससे अभी आपने देखा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द तो फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड, जब तक इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। बट लिसन कि देर इज़ नो करंट या देर इज़ नो चार्ज बिटवीन द प्लेट्स, जो भी चार्ज है वो प्लेट्स के ऊपर है, इस रीजन से कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पर अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो क्या करंट भी नहीं है? और अगर करंट नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर फील्ड भी नहीं होगी। बट ही फाउंड समथिंग डिफरेंट। उसने कहा कि हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पी चूज़ कर लेते हैं जहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करनी। अब उसने कहा कि देखें, जैसे जैसे ये चार्जेस इस प्लेट पर पहुँचेंगे तो लेट्स से कि ये इसको पॉजिटिव करते चले जा रहे हैं और इसको नेगेटिव करते चले जा रहे हैं। एक चीज़ जो आप सब भी जानते हैं कि प्लेट्स यकदम से चार्ज नहीं हो जाती, दे टेक सम टाइम, यानी पहले चार्ज कम होगा तो फील्ड वीक होगी, फिर चार्ज मजीद बढ़ेगा तो फील्ड और इंक्रीज करेगी। यानी जितना टाइम लगेगा चार्ज को ग्रो करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम से किस तरफ जाएगी, ज़्यादा की तरफ जाएगी। अब क्या इस रीजन में कोई करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो उसके लिए हम एक कंसिडरेशन देखते हैं कि इनसाइड द प्लेट्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बहुत तवज्जो से ये चीज़ें सुननी है, समझनी है, या आपको बहुत मुश्किल से ऐसा लिटरेचर मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, ई इज इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये फ्लक्स की इक्वेशन बन जाए। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। नाउ सी, ये तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आ जाए एक और बड़ी मज़े की चीज़ पे कि यहाँ पर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है, यानी चार्ज स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज की है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज की है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई एरिया सपोज करें कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हुआ है। तो अब ज़रा इस पोर्शन और इस पोर्शन को पिक कर लेते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। एंड नाउ इफ देर इज अ चेंज of electric flux with respect to time, then what happens in the equation? कि चूंकि electric field strength increase की है तो there must be a change of electric flux with respect to time. यानी दोनों तरफ हम डेल बाय डेल टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट ये बनेगा डेल क्यू बाय डेल टी। नाउ what's strange in this equation? Students, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर डेल क्यू बाय डेल टी इट इज इंडिकेटिंग अ करंट। इट मींस कि ना सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट प्रोड्यूस करती है, बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस कर सकता है? करंट। बट हाउ दिस करंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस करंट? इस करंट के लिए तो एक कंडक्टर मौजूद है लेकिन यहाँ पर तो इंसुलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये करंट IC की बजाय, यानी करंट थ्रू कंडक्टर की बजाय कहलाता है ID, द डिस्प्लेसमेंट करंट। वो करंट जो ऐसे रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब ये बात भी याद रखें कि जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट
मैक्सवेल का इनोवेशन था कि उसने कहा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर जो कोई मीडियम नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, बट फिर भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब वही करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसका कन्वर्स ढूंढ लिया स्टूडेंट्स कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वजह से क्या क्रिएट हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा पिछली स्लाइड के साथ इसको जोड़ें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ वी हैव सीन दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो नेचर में कितनी ज़बरदस्त सिमेट्री आ गई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ई मिलेगा, और अगर ई चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको बी मिलेगा। अच्छा, यहीं से अब मैक्सवेल ने जो इक्वेशन को मॉडिफाई किया, वो इक्वेशंस को कैसे मॉडिफाई किया, उसने कहा कि अब जो एम्पेयर्स लॉ की इक्वेशन है बी डॉट डेल एल, वो बेसिकली म्यू नॉट वन आई नहीं, वो आई सी, ठीक है, प्लस आई डी द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास B डॉट डेल L की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। तो B डॉट डेल L इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट आई सी, और यहाँ पर जो हम साथ फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई बाय डेल टी। तो इसको कहते हैं एम्पेयर्स एंड मैक्सवेल लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। नाउ इट कंप्लीट्स द पिक्चर। यहां तक अगर चे थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था, बट हमने चीजों को सिमेट्रिकल कर लिया कि स्टूडेंट्स अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो सिर्फ ई प्रोड्यूस करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो सिर्फ बी प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज मैग्नेटिक फील्ड। और चैप्टर 15 क्या कहता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली सारी सिचुएशन को समझते हुए अब हम मैक्सवेल की जो फोर इक्वेशंस हैं इनको एक नज़र देखेंगे। गो के एफएससी स्कोप में नहीं है, बट बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों इक्वेशंस गॉज़ेस लॉ पे हैं। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इट इज़ द गॉज़ेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सेम इसी तरह बी डॉट डेल ए इज इक्वल टू जीरो, इसकी मैंने एग्जांपल दी कि एक पूरे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज फेयर में जीरो होता है, तो इट इज़ गॉज़ेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट ई इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली ईएमएफ है, तो मैंने कहा था ईएमएफ को हम ई डॉट डेल एल भी लिख सकते हैं कि ई डॉट डेल एल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये है सिमेट्री कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसे पिछली स्लाइड में जो मैंने आपने को दिखाया एम्पेयर्स लॉ कि बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई ओवर डेल टी। इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करें तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स थीम जनरेट होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स का। सो ही फाउंड दैट whenever a charge, a let's say positive charge, oscillates, students oscillation भी accelerate करना ही होता है। आप simple pendulum में देखते हैं ना कि उसकी speed increase और decrease दोनों कर रही होती, तो अगर एक charge oscillate करेगा तो ये charge हम यहाँ पर एक axis generate कर लेते हैं, ये हमारे पास y axis है और ये हमारे पास x axis है। अगर एक charge vertically oscillate करेगा तो ये वर्टिकल प्लेन में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी ये जितना स्पीडली ऑसिलेट करेगा उतनी रैपिडली चेंजिंग क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके साथ स्टूडेंट्स
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट शुड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी इन शॉर्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपसी एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्रीज। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो किस वजह से है, ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से, और रिजल्ट में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने ये अंदाज़ा लगाया कि जो लाइट है, वो जो कलर्स मैंने शुरू में बात की थी, तो ये लाइट तो बेसिकली कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है क्योंकि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्पेस में भी एग्जिस्ट कर सकती है। फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो मैक्सवेल ने फार्मूला डिराइव किया था, वो बुक में तो नहीं लिखा हुआ, बट फॉर योर नॉलेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/√ε0 and μ0, एंड ही फाउंड द स्पीड 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्टूडेंट्स, ये सिंपली क्या है, लाइट है। अब इनका क्या स्पैम है, ये कितनी नेचर्स रखती हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं, कि जब कभी चार्ज क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, स्पीड चेंज होगी उसकी, तो वो सिर्फ एक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, वो दोनों फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। और इस बहती हुई वेव को जो स्पेस में ट्रेवल करती है, हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पैम कहाँ तक अप्रोच करता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक थीम क्या, कि जब कभी चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तो वो दोनों फील्ड्स एट अ टाइम प्रोड्यूस हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, जिसको कुल मिला के हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब चार्जेस की ऑसिलेशन स्टूडेंट्स, नेचर में पूरी यूनिवर्स में 7 किस्म की मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, रेडियो, अब ये नाम इसी तरतीब से याद रखना, फिर इस तरतीब का मतलब बताता हूँ, रेडियो, उसके बाद नंबर 2 पे माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज। इन सब रेज को इसी तरतीब में, क्योंकि रेडियो वेव्स वो हैं जिनकी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लॉन्गर है। वेवलेंथ क्या होती, द कम्बिनेशन ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ये एक वेव है। अब ये जो वेव लेंथ है, इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं तो इनकी मैक्सिमम लेंथ 10⁻⁷ मीटर्स तक हो सकती है, और फिर ये वेव लेंथ कम होती जा रही है, बहुत कम हो रही है, तो मतलब मीटर्स टू सेंटीमीटर्स में आ जाएगी, तो माइक्रोवेव्स में ये आ जाएगी, आपके पास मिलीमीटर टू माइक्रोवेव्स में, माइक्रोमीटर्स में तो इंफ्रारेड, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर्स की रेंज में विजिबल, फिर नैनोमीटर्स की रेंज में आ जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट, फिर एंगस्ट्रॉम्स की रेंज में आ जाएंगे तो एक्सरेज, और फिर फेमटोमीटर्स की रेंज में आ जाएंगे तो गामा रेज। अब ऑब्वियसली देखें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, यहाँ वेवलेंथ सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मगर ये तमाम तर रेडिएशंस चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो दे ऑल विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ तक हो गया कि इस सीक्वेंस में याद रखना है कि नेचर में रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। अब इनके थोड़ा सा यूजेस पे आ जाएं। रेडियो और माइक्रोवेव्स का एक बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है कम्युनिकेशन में, रिमोट कंट्रोल से जो आप चैनल चेंज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन उससे निकलती है, हमारी आंखें विजिबल रीजन में इस दुनिया को देख सकती हैं। अब यहाँ से हमारी लिमिटेशन देखें स्टूडेंट्स, कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है और उसमें से हम क्या देख पाते हैं, सिर्फ विजिबल, यानी हम सिर्फ 400 नैनोमीटर्स से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक की दुनिया देख सकते हैं, ना इसे लॉन्गर वेवलेंथ्स और ना इसे शॉर्टर वेवलेंथ्स। अल्ट्रावायलेट
सूरज से एक ह्यूज अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जिसे ओजोन लेयर ब्लॉक करती है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ऑसिलेटिंग चार्जेस से। ये चार्जेस कहाँ कहाँ ऑसिलेट करते हैं उस पर आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। इनर्शियल ट्रांजिशन से एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी में गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। तो हम कितने स्पैम में देख सकते हैं? जस्ट 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिमेट्री है, ये तरतीब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेडियो माइक्रो या इंफ्रा है ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब कभी चार्ज एक्सेलरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब यहाँ पर बुक के टॉपिक से भी थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम चीज़ों को कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स जनरेट किस तरह होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं स्पेस में और फिर रिसीव कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एसी सोर्स। एसी सोर्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 80 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज़ करते हैं। अब 80 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर इस इंडक्टर में से करंट जो है वो चेंज होगा, जिसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन से कपल किया है एक और इंडक्टर के साथ जो कनेक्ट है आगे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के साथ। ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो एंटीना की वायर है ये कंडक्टिंग वायर है और ये किससे बनी हुई है? चार्जेस से। तो सपोज कर लेते हैं इसका कोई एक चार्ज दिस। अब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा मुसलसल। किस फ्रीक्वेंसी पे? 80 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टूडेंट्स, इसी फ्रीक्वेंसी पर ये जो चार्ज है ये वायर में अप एंड डाउन क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। दिस ऑसिलेटिंग करंट विल कॉज द चार्ज टू ऑसिलेट इन द एंटीना वायर एंड दिस विल कॉज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस विच विल कॉज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सच दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल कॉज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव किस फ्रीक्वेंसी से? ये मेरी ड्राइंग पे ज़रा नहीं जाना आप लोगों ने, मैं आपको यहाँ पर एक और अच्छा इमेज जो है वो दिखा दूंगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पेस में ट्रैवल कर रही। अब फर्ज करें ये जो वेव है ये कोई सिग्नल इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है। अब हमने इसको रिसीव करना है, तो रिसीव कैसे करना है? रिसीव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए है LC ऑसिलेटर या टैंक सर्किट। ये जो आप पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पढ़ चुके हैं ये LC ऑसिलेटर। अब हम इसकी मदद से सिग्नल को रिसीव कैसे करना है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में तो हमने देखा प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास उसी चार्ज के ऑसिलेशन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव है, कोई टीवी चैनल है या रेडियो वेव है जो रेडियो स्टेशन से आ रही है और हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी 80 किलो हर्ट्ज़। अब हमने इसे रिसीव कैसे करना है? स्टूडेंट्स, वेव को रिसीव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है अगर आप एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करना चाहें तो आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 पर जाएं और एक दफ़ा लाजमी रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ें ताकि आप यहां से आगे कंटिन्यू कर सकें और कॉन्सेप्ट को अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल LC सर्किट होता है ये भी एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? आसान सी वर्किंग में बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ना हो तो इंटरनेट पर बेशुमार वीडियोज़ पढ़ें। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। फर्ज करें कैपेसिटर चार्ज्ड है तो कैपेसिटर का सर्किट कंप्लीट है। कैपेसिटर ये चार्ज फ्लो करवाएगा थ्रू इंडक्टर, तो कैपेसिटर के एनर्जी लूज करने से इंडक्टर एनर्जी गेन करेगा। अब इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये उसको मैग्नेटिक एनर्जी बना के स्टोर कर लेगा तो करंट फ्लो कर गया। अब ये एनर्जी वापस करेगा तो कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा तो करंट फिर से वापस फ्लो करना शुरू कर देगा।
यानी ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज या इलेक्ट्रीफाई और डीइलेक्ट्रीफाई करते हुए क्या कर रहे हैं, सर्किट में करंट को ऑसिलेट करवा रहे हैं। अब हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं रिसीविंग एंटीना। यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी से ये सर्किट में करंट ऑसिलेट कर सकता है वो फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं बाय द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला 1/2π√LC। सो नाउ सी, अगर हमें 80 किलो हर्ट्ज रिसीव करना है तो हमारा ये सर्किट भी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करना चाहिए, 80 किलो हर्ट्ज, सच दैट वी कैन क्रिएट रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, जब किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है स्टूडेंट्स, तो एनर्जी ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। सो जैसे ही ये वेव इस जगह पर आएगी तो हमारा रिसीविंग एंटीने की ऑसिलेशन भी क्या है, 80 किलो हर्ट्ज़। इन दोनों के दरम्यान क्या होगा, रेजोनेंस, तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू दिस सर्किट। अब ये सर्किट अगर आपके टीवी से कनेक्टेड है तो यू विल सी द चैनल, अगर आपके रेडियो से कनेक्टेड है तो यू विल लिसन द चैनल। ऑल राइट, सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड थ्रू एंटीनास। तो ये प्रिंसिपल है रेडियो और माइक्रोवेव्स का। इसी रेजोनेंस का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन्स में भी होता है। चैप्टर 7 में आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई खाना वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, फर्ज करेंगे चिकन पीस पड़ा हुआ है छोटा सा, तो इस चिकन पीस को हम 2450 मेगाहर्ट्ज़ की माइक्रोवेव्स प्रोवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि चिकन पीस इज़ मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेट करते हैं और इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ है। तो हम बाहर से भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, और रेजोनेंस पे एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है, मैक्सिमम, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता है और खाने का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एंटीनास को अंडरस्टैंड करना है। अब मैं एक छोटा सा व्यू दूंगा आपको कि किस तरीके से बाकी वेव्स जो हैं वो नेचर में जनरेट हो रही हैं, तो उसके बाद हम लेक्चर को एंड अप करेंगे। आई एम होपफुल कि आप इतना ज़्यादा बोर फील नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रेडियो और माइक्रोवेव जो हैं इनको तो हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं एंटीनाज में चार्जेस को ऑसिलेट करवा के। अब बाकी सारी रेडिएशन भी चार्ज ऑसिलेशन से ही प्रोड्यूस होती हैं, बट हाउ एंड वेयर? स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, ये तमाम रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम इनसाइड द एटम्स। और कैसे प्रोड्यूस होती हैं? सब के प्रोड्यूस होने का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो इट कॉजेज अ फोटोन टू बी एमिटेड। अब यहाँ से दो आइडियाज इन में रख के कि जब हम इसको लाइट बोल रहे हैं तो हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यानी इसका वेव करैक्टर भी है, और फोटोन कॉन्सेप्ट पे हम इसका पार्टिकल कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। तो आप चूंकि केमिस्ट्री में यहाँ तक चीज़ें पढ़ चुके हैं थोड़ी सी, तो जब हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो वी कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, ई इज इक्वल टू एच एफ या एच सी ओवर लैम्डा। तो स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ इट्स फोटोन। और इसी तरह इसका मोमेंटम जो है पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी मोमेंटम उतना ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा प्रोमिनेंट जो पार्टिकल नेचर है स्टूडेंट्स वो इन रेडिएशन से ले सकते हैं। इनकी तो वेवलेंथ ही इतनी लॉन्गर होती हैं कि इनका मोमेंटम और इनकी एनर्जी ना होने के बराबर होती है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम हर वक्त मोबाइल फ़ोन जो कि कैरी करते हैं तो हम हर वक्त सराउंडेड है माइक्रो रेडियो वेव्स की वजह से, बट ये इतना ज़्यादा लो एनर्जी रेडिएशन है कि हम हमारी सेहत पर इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इंफ्रारेड के बारे में ये बात एक कॉमनली याद रखें कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जिस रीजन में होती है वो इंफ्रारेड है। हम इस यूनिवर्स को किस रीजन में देख सकते हैं? सिर्फ विजिबल रीजन में। जो कीड़े मकौड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं या शहद की मक्खियां हैं, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी देख सकती हैं। एक्सरे से हम, चूंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ है तो हम इसको मटेरियल्स में पेनिट्रेट करवा के उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इवन विद द गैमा रेज।
गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट्स? चूंकि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं ना एटम्स में, ऐसे ही एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस में भी होते हैं। तो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स में अगर कोई न्यूक्लियॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में जंप करता है तो इट विल कॉज गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है और रेडियो वेव सबसे लीस्ट एनर्जेटिक हैं। सब में कौन सी चीज़ कॉमन है कि ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी उतनी ज़्यादा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती जाएगी, पार्टिकल। एक सिंपल सा सेंटेंस बता रहा हूँ, याद रखना है कि लाइट प्रोपोगेट्स एज अ वेव, बट व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर इट इंटरेक्ट्स लाइक पार्टिकल। यानी और शॉर्ट कर लें तो लाइट प्रोपोगेट्स इन स्पेस एज वेव एंड इंटरेक्ट्स विद मैटर लाइक पार्टिकल्स। तो यहाँ तक स्टूडेंट एक छोटा सा तो नहीं, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया, बट आपने इसको ज़ाया नहीं करना। मैंने चीज़ों को बहुत ब्रीफ करके कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश की है। इन द एंड मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, एक पिक्चर प्लेस कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की काफ़ी जो डिटेल है वो मौजूद है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।